सेकेंड मैच में सेशन में प्रॉफिट बनाया होगा, सेशन में नहीं बनाया होगा तो मैच में तो बनाया होगा, क्योंकि मैच जो है वो 7-8 पैसे से 55 पैसे पे चला गया। और किसी भी मैच में 40 पैसे तक का प्रॉफिट लेना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप टेलीग्राम पे होते या व्हाट्सएप पे होते तब बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉफिट बना पाए होते। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये मैचेस कैसा हो सकता है, किस केस में चांसेस बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा कि हाँ बांग्लादेश के साइड मैचेस जा सकता है। जैसे लास्ट जो सेकेंड मैच था ना, उसमें मैंने टोटली बोल दिया था, चाहे वो टेलीग्राम पे खेल रहा हो कोई या फिर जो है आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिला, वहाँ पे दोनों जगह जो है मैंने बताया था कि 8-9 पैसे से जो है जो मैच अभी चल रहा है उसको ले लो, और 55 पैसे 60 पैसे पे जैसे ही गया मैंने बोला था कि प्रॉफिट जो है वो आपको अपने साइड कर लेना है, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा रेट जो है ये नहीं देने वाला है। और सेम वही चीज़ हुआ, अब बाकी जो लोग सेशन खेलते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले था, क्योंकि उनके लिए सारे जो है वो बहुत अच्छे से पास हुए, अच्छे गए सेशन की जो भी ओपन हो रहा था, अब देखोगे ऑलमोस्ट जो है वो सारे यस होते गए। अब सेकेंड मैच किस तरीके से हो सकता है या थर्ड मैच कैसा हो सकता है, कैसा जाने वाला है, इसको डिटेल्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखना, तभी जो है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं, तो आप देखोगे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो थर्ड T20 मैच है, जो कि 3 ही T20 मैच है, इसके बाद जो है आपको फिर से अलग जो है मैचेज आपको दिखाई देंगे। तो ये जो लास्ट T20 मैचेज है आपको 12 अक्टूबर को, यानी कि जो है आपको 2 दिन बाद जो है देखने को मिलेगा। दशहरा का दिन रहेगा सैटरडे को, टाइमिंग जो है वो 7 PM इंडियन स्टेट टाइमिंग के हिसाब से, और वेन्यू जो है आप हैदराबाद में इसे जो है देख सकते हो। और इसका पिच रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप जिसे जो है देख सकते हो लाइव, इसे आप इंडिया में जियो सिनेमा पर देख सकते हो। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम इलेवन के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके सर्च जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा, अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यही पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नज़र आएगा। पिच के बारे में, तो जैसे हैदराबाद के पिच में हमने देखा कि हैदराबाद का जो पिच है ना, ट्रेडिशनली आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बनता है। अब लास्ट के अगर हम यहाँ पे 5 T20 मैचेस की बात करें, तो लास्ट के 5 T20 मैचेस में आपको IPL भी आ जाएगा, लेकिन अगर हाँ इंटरनेशनल मैचेस की बात करोगे तो इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वैसे अगर डोमेस्टिक मैचेस को हम लोग बात कर रहे हैं IPL की, तो यहाँ पे बहुत सारे मैचेज हुए हैं। और इवन IPL में जब हैदराबाद की टीम यहाँ पे 7 मैचेस खेली थी, क्योंकि हर टीम IPL में 14 मैचेस खेलता है, जिनमें से 7 मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेलता है, तो जब 7 मैचेस यहाँ पे खेली थी, तो उन 7 मैच में हमने देखा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो रन है वो 200 हो गया, इवन 250 से भी पार गया, इवन आपको जो है 260-270 तक रन जो है देखने को मिला। इस तरीके का जो है वो पिछले IPL में कुछ यहाँ पे रन बने हैं, तो क्या उसी तरीके का ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल ग्राउंड जो है अभी का जो टाइम है उसी तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रन बने थे ना IPL के लेटर हाफ बने थे, यानी कि बाद वाले पोर्शन में, तो उस समय देखोगे धीरे धीरे गर्मी जो है वो आ गया था। अब जब गर्मी रहता है तो पीछे ड्राई रहती है, फ्लैट रहता है, रन ज़्यादा बनता है, और साथ में बाउंड्रीज एरिया ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोटा सा है, बहुत ही बड़ा बाउंड्रीज एरिया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी रन जो है आप देखोगे ना कि यहाँ पे अच्छा खासा बनता है, क्योंकि पीछे बिल्कुल फ्लैट जो है वो अभी जो बनी है पिछले 2-3 सालों में फ्लैट तरीके से जो है काम करते हुए नजर आती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब बॉलर किस केस में इफेक्टिव हो सकता है, फास्ट बॉलर जो कि वेरिएशन के साथ यूज़ करे, या पहले बॉलिंग कराए स्विंग कराए, या थोड़ा बहुत नमी आ जाता है, चाहे वो रात का टाइम हो या फिर जो है वो पहले जब मैच स्टार्ट होता है तब यहाँ पे इम्पैक्टफुल हो सकता है। और स्पिनर जो है अभी रिसेंट टाइम में उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हुआ है इस ग्राउंड पे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। इससे पहले के IPL देखोगे तो वहाँ पे 130 डिफेंड हुआ है, 135 डिफेंड हुआ है, 140 तक रन जो है डिफेंड हुआ है, और ऐसा इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे जो मैचेज हुए थे वो उस समय जो है एक तो मौसम भी बहुत जो है वो अलग टाइप का चल रहा था, और साथ में स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो ग्राउंड था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी जो है वो हाईएस्ट स्कोरिंग में जो है वो खेलने वाले हैं हम लोग इस ग्राउंड पे। अब लास्ट में जो 2 मैचेज हुआ था दोनों के दोनों जो है चेस हुए हैं, फर्स्ट बेट एवरेज यहाँ देखोगे तो आपको देने को 196 है लास्ट के 2 मैचेज में, तो जो कि बताता है यही है कि अगर 2 मैचेज को देखोगे ना तो 107 बना, 207 बना, 186 बना, और एवरेज जो है आपको 200 रन के आसपास जो है दिखाई देगा। तो अगर इतना रन बनता है ना कोई भी टीम के लिए, दोनों टीमें, तो एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा।
और बांग्लादेश के लिए यही अच्छा रहेगा कि बांग्लादेश पहले बैटिंग करे और इसके आसपास रन लेके जाए 200 के आसपास, तभी जो है एक अच्छा रेट पंटर्स के लिए भी आएगा, हमें भी मैच देखने में मज़ा आएगा और चेसिंग में भी जो है आपको एक मज़ा आने वाला है। तो अगर इस तरीके का रन बनता है तो आपको एक बहुत बढ़िया जो है बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अभी दो मैचेस देखोगे ना तो दोनों जो है मैचेस आप देखोगे तो यहाँ पे चेस करके इंडिया जो है जीता है, लेकिन दोनों मैच में फर्क देखोगे तो यहाँ पे इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था और यहाँ देखो तो आपको जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता था, वो भी 209 रन जो है बना के। तो मैचेस जो है यहाँ पे रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से चेस होते हुए नजर आए हैं, और अगर ऐसा मैचेस रहता है तो आप देखोगे चेस करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा इस ग्राउंड पे। अब हेड टू हेड की बात करते हैं तो लास्ट 8 मैचों में 7 इंडिया जीता है, 1 बांग्लादेश जीता है, और रिसेंट मैच में देखोगे तो इंडिया लगातार मैच जीते हुए आ रहा है, और वहीं बांग्लादेश देखोगे तो रिसेंट के 5 मैचेस 5ों जो है वो हार चुका है, और अगर इनके हेड टू हेड की देखोगे तो रिसेंट के 5 मैचों को तो 5ों जो है बांग्लादेश यहाँ पे हारा हुआ है, चाहे वो कितने भी रन बने हैं डिफेंड हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश जो है वो अभी तक हारते हुए लास्ट के 5 मैचेस आ रहा है। अब प्लेइंग 11 की बात करते तो कोई चेंजेस होने वाला है नहीं, इंडिया की तरफ से कोई चेंजेस देखने को मिल जाए वो भी इस वजह से क्योंकि अभी जो है इंडिया सीरीज जीत चुका है, और जब सीरीज जीत लिया है तो जो प्लेयर जो है आपको देखने को मिलेगा जो बेंच प्लेयर है उनको शायद यहाँ पे चांसेस मिल जाए और वो जो है एक अच्छा जो है मैच यहाँ पे खेल सकते हैं, तो उसी के हिसाब से चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी मुझे वैसे उम्मीद नहीं कि कोई चेंजेस रहेगा, लेकिन हाँ अगर देखने को मिलता है तो वही चेंजेस होगा जो कि आपको यहाँ पे जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाए, या फिर जो नहीं परफॉर्म कर रहे उनको बैठा कर जो है जो बेंच प्लेयर है उनको ले गया जाए, बाकी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो रन और विकेट है किसने सबसे ज़्यादा बनाया था, अगर इंडिया की तरफ से देखोगे तो सूर्य कुमार यादव का अभी की हालांकि 129 रन है लास्ट के 5 मैचों में, हालांकि देखोगे तो लास्ट मैच में रन बना नहीं था। हार्दिक पांड्या का अच्छा रन है कि लास्ट के दोनों मैचों में अच्छे रन बने थे, संजू सैमसन को भी लास्ट के दोनों मैचों में अच्छे रन बने हैं, इसके अलावा जो है नीतीश रेड्डी का देखोगे तो लास्ट के मैच में तो इन्होंने जो है वो कमाल ही कर दिया, आप 74 रन का इनिंग देखोगे बहुत ही कम बॉलों में। इसके अलावा तिलक वर्मा का देखोगे तो अभी जो है रिसेंट में कोई मैचेज नहीं मिला, लेकिन हाँ इस मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तिलक वर्मा को शायद चांसेस मिल जाए खेलने के लिए। रिंकू सिंह का भी जो है 55 रन हो गया लास्ट के 5 मैचों में, और वही अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी कोई कम नहीं है, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों जो है टीमें सेम टू सेम जो हो चल रही है लास्ट 5 मैचों में, तो आप दोनों में प्रीफर कर सकते हो और यहाँ पे दोनों जो है वो एक इक्वल रन से जो है बना रहे हैं, अभी आप ऐसा कह सकते हो। विकेट की बात करें तो विकेट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, देखोगे यहाँ पे हरदीप सिंह का 10 विकेट है, उस तरह आर हुसैन का 10 विकेट है, इसके अलावा तस्किन का देखोगे आप यहाँ पे टी साकिब का तो आप देखोगे यहाँ पे इनके 8 विकेट है, यहाँ पांड्या का जो है 6 विकेट है, सुंदर का 6 विकेट है, तो यहाँ पे देखोगे तस्किन अहमद का 4 विकेट है, इस तरह से रवि बिश्नोई हालांकि प्लेइंग 11 में थे नहीं लेकिन इसमें चांसेस मिल सकता है, हालांकि वरुण चक्रवर्ती लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया किया था, तो आप रवि बिश्नोई के चांसेस देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे रहमान का देखोगे तो 4 विकेट है, और बिश्नोई के देखोगे तो आपको यह 6 विकेट है, वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट है, और यहाँ पे आसिफ इस्लाम का जो है 4 विकेट है, तो ऑलमोस्ट जो है नेक टू नेक जो हो दोनों टीमें परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे वो किसी भी टीम के साथ आए हो तो नेक टू नेक परफॉर्मेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे अभी चलेंगे कि आप किसी को पिक करते हो तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आप ले सकते हो। अब जो मैंने टीम बनाया है उसमें विकेट की भी बात करते हैं, दो रखा है संजू और लिटन दास को, बैटर उन्होंने 3 रखा है, सूर्या को, अभिषेक को, और जो आपको टी हरदोई को जो है यहाँ पे रखा है, और कैप्टन जो हमने अभिषेक शर्मा को बना चला है क्योंकि एक तो इनका जो है ये जैसे आईपीएल के हिसाब से होम ग्राउंड है और यहाँ पे रन भी जो है बहुत ज़्यादा बने हैं हैदराबाद में इनके, तो इसी के हिसाब से हमने कैप्टन रखा है। अब देखते हैं कि परफॉर्म होता है या नहीं होता है। ऑलराउंडर में देखोगे तो हार्दिक पांड्या है, आर हुसैन है, और आपको नीतीश रेड्डी को जो हम लेके चले हैं, और बॉयज़ कैप्टन हम लोग पांड्या को बनाना चाहते हैं, आप चाहो तो पांड्या को हटा कर नीतीश रेड्डी को तो फिर आर हुसैन को जो है बना के जा सकते हो, तो इनमें जो है कोई भी चेंजेस आप अपने हिसाब से लेके चले जाना। बॉलिंग की बात करते हैं तो आवासदीप को रखा है, रहमान को रखा है, और वरुण चक्रवर्ती को रखा है, अगर इनमें से कोई प्लेइंग 11 में नहीं रहता है तो आप चेंज कर लेना, बाकी स्मॉल टीम के लिए तो है मेरी टीम यही रहने वाली है, बाकी जीएल के लिए जो है आपको टीम अलग से व्हाट्सएप पर मिल जाता है, टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो डायरेक्टली जो है वहाँ से ले पाओगे। सो अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा, और इन चीज़ को आप बिगिनर सेशन एंट्री या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको बिगिनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है, साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको बिगिनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दिया जाती है, और जो भी टीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।